हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। लेक्चर नंबर 24, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथात अवकल समीकरण में समानेन वाले समीकरण। जैसा कि हमारे पहले के लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हमने लेक्चर डाला था, उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कंडीशन होती है कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते थे अगर वो एग्जैक्ट होती थी। तो ये उसके आगे का टॉपिक है कि यदि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो तो उसको किसी समाकलन गुणक से मल्टीप्लाई किया जाता है जिससे वो एग्जैक्ट में चेंज हो जाए। तो आप बॉक्स के थ्रू समझ सकते हैं, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट अगर अपने पास में है ए नंबर बॉक्स, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इसको हम किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं। सेकंड नंबर बॉक्स देखिए बी, इसको समाकलन गुणक कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो जिससे ये इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये एग्जैक्ट में चेंज हो गई। इसको अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही एग्जैक्ट में चेंज होगी इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बी है कि हम इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये समाकलन गुणक पता कैसे लगे। तो इसके लिए कुछ नियम दे रखे हैं, उन नियमों में से पहले नियम का आज हम अध्ययन करेंगे। रूल फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन, समघात समीकरण का समाकलन गुणक ज्ञात करना। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो समघात समीकरण हो तो समाकलन गुणक जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, यह समाकलन गुणक होगा। कंडीशन ये है एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए समघात समीकरण के लिए, ये ध्यान रखो। अब हमें पता कैसे चले कि कोई समीकरण समघात समीकरण है या नहीं है, तो इसके लिए हमें पहचान आपको बता रखे हैं। इक्वेशन नंबर एक और दो नीचे देखिए, पहला ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी एक्स माइनस ब्रैकेट ऑन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट ऑफ डी वाई बराबर जीरो। इसके अंदर हमें पहले पद में देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और वाई के घातों का जोड़ है वो दो प्लस एक तीन। दूसरे पद में एक्स वाई स्क्वायर, एक्स और वाई के घातों का जो योग है वो एक प्लस दो तीन। तीसरे में तीन, चौथे में थ्री एक्स स्क्वायर वाई, यानी दो प्लस एक तीन। तो इस तरीके से हम समझ गए। दूसरा एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, तो प्रथम पद में दो प्लस एक तीन और द्वितीय में तीन और फिर तीन। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये समघात समीकरण है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि समघात समीकरण जो यथार्थ एग्जैक्ट नहीं होती है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास में है, हल कीजिए सॉल्व ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी एक्स माइनस ब्रैकेट ऑन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर जीरो। सबसे पहले कंपेयर विद द इक्वेशन, कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन एम डी विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। दी गई समीकरण एक को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से तुलना करने पर, तो डी एक्स के पास वाला एम होता है तो एम मिल गया अपने को एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, एन मिल गया अपने को माइनस ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया। तो हमें डेल एम अपॉन, अब हम इसका एग्जैक्ट का परीक्षण करते हैं, एग्जैक्ट को यथार्थ कहते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है, यानी एम का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई
डेल एन अपॉन डेल एक्स किया तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई, ये देखिए आपस में बराबर नहीं है, स्पष्ट है क्लियरली डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो इक्वेशन वन इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है ये, इक्वेशन वन इज एन होमोजीनियस, बट हमें ये पता चल गया कि होमोजीनियस है जैसे कि आपको परीक्षण में बताया था हमने। तो जब अब हम एक को किससे मल्टीप्लाई करें कि एग्जैक्ट में चेंज हो जाए, तो इसके लिए होमोजीनियस के लिए हमें समाकलन गुणक का आपको ये बता रखा है आई एफ जो होता है वह वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, तो आपने वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई यानी एम को एक्स से गुणा करा दीजिए, एन को वाई से करवा दीजिए, एम और एन अपन ने ऊपर निकाल रखा है कंपेयर करके, उसको करवा के जैसे ही सॉल्व किया तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास में समाकलन गुणक आ चुका है। अब हम इस एक नंबर समीकरण को समाकलन गुणक से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये समाकलन गुणक से मल्टीप्लाई करवाया एक नंबर समीकरण को दोनों तरफ, तो जीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक नंबर समीकरण को फिर मल्टीप्लाई करने पर यह सॉल्व होके दो नंबर इक्वेशन बन जाएगी, तो वन अपॉन वाई ब्रैकेट में वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स ब्रैकेट ऑफ डी एक्स प्लस ब्रैकेट ऑन थ्री अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ डी वाई दो नंबर में इस सेकेंड में डी वाई होगा बराबर जीरो मल्टीप्लाई में, कंपेयर विद द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, तो एम डी एक्स के पास वाला एम है और डी वाई यहाँ डी वाई है, ध्यान रखो यहाँ डी वाई, तो बाय मिस्टेकली ये लिखना भूल गए एन, तो आगे अपने पास में थ्री अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो डेल एम अपॉन डेल वाई किया तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स किया माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, अब ये आपस में बराबर आ गए, बराबर आने पे हमें ये पता चल गया कि ये इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट आने के बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है यह हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स में देख लीजिए इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो, तो सबसे पहले यू एक्स वाई निकालते हैं इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह एम डी एक्स, वी वाई निकालते हैं समाकलन का चिन्ह एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, तो जो एक का हल होगा वो यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी होगा, ये होता है। तो सबसे पहले अब अपनी इक्वेशन जो आई है ऊपर देखिए एम आपको मिल गया डी एक्स के पास वाला, एन है डी वाई के पास वाला, तो यू एक्स वाई कितना है समाकलन का चिन्ह एम डी एक्स, ये देखो तो एम आपने रख दिया वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स, समाकलन कर लिया x अपॉन वाई माइनस टू लोग x, वी वाई कितना है देखो फॉर्मूले में इधर बॉक्स में वी वाई का जो फॉर्मूला है वो समाकलन का चिन्ह n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो n आपने ऊपर से रख दिया थ्री अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वी वाई का समाकलन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक्स के पदों को शामिल नहीं किया जाता है, तो बच गया थ्री अपॉन वाई डी वाई, इसका समाकलन थ्री लॉग वाई, अब आपके पास में यू एक्स वाई और वी वाई आ गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो एक्स अपॉन वाई माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग वाई बराबर जीरो, ये अपने पास में आ चुका है हल। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्व हल कीजिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट ऑन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट ऑफ डी वाई बराबर जीरो, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कंपेयर विद द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, तो एम आ गया एक्स स्क्वायर वाई, एन आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अतः डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, इक्वेशन वन इज एन, नाउ अब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई, एग्जैक्ट नहीं आई, लेकिन ये पता चला कि जो एक नंबर समीकरण है वो समघात समीकरण है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो,
एक नंबर समीकरण है, इसके प्रथम पद में डी एक्स के पास एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और वाई के घातों का जोड़ 3, फिर एक्स क्यूब में 3, वाई क्यूब में 3, तो सभी पदों में जो एक्स क्यूब तथा सभी पदों में एक्स तथा वाई की घातों का जोड़ है वो 3 आ रहा है, अतः यह समघात समीकरण है। समघात समीकरण के लिए आपको क्या करना है, आई एफ निकालना है। आई एफ कितना होता है, 1/mx + ny। तो m को x से गुणा करिए, n को y से गुणा करिए, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -1/y^4। अब इस एक नंबर समीकरण को इस आई एफ से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1/y^4 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, अब आप ये चेक कर सकते हो दो नंबर समीकरण एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लो MdX + Ndy = 0 से, तो आपको m मिल गया -x²/y³, n मिल गया x³/y⁴+1/y। जैसे ही मिला अब आप ∂M∂y निकालो, ∂M∂y आपने निकाला, ∂N∂x निकाला, ये आपस में बराबर आ रहा है, तो इक्वेशन 2 जो है ये वाली ये एग्जैक्ट आ गई। एग्जैक्ट आने पे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको एक नंबर में हमने बताया था कैसे निकालते हैं, एग्जांपल नंबर 1 में बताया था कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए UxY = होता है समाकलन का चिन्ह MdX = समाकलन का चिन्ह m, m आपने ये निकाल रखा है, नीचे देखिए m -x²/y³, तो ये रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया। vy हमें निकालना है, तो vy के लिए आपने n-∂u∂y·dy, तो n अपने पास में जो है ये देखो x³/y⁴+1/y ये आपने रख दिया, -∂u∂y, तो ये आ जाएगा सॉल्व होके। ये अब ये कट कुटा के vy समाकलन 1/y dy दैट इज log y ये आ गया। तो अब आपको सॉल्यूशन जो है वो UxY + Vy = c, तो UxY जो है वो आ गया -x³/3y² + log y = c, तो ये अपने पास में सॉल्व होके, या इसको हम ये आंसर कह सकते हैं। और आप इसको और सी को आप जो है वो लॉग सी भी लिख सकते हैं भाई, जिससे कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाए वो लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लॉग सी ले लिया तो इंटरचेंज किया, तो लॉग सी को लेफ्ट में ले आइए, x³-x³/3y³ राइट में जाएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, log a - log b होता है तो log y/c हो जाएगा, लोग को उधर भेज दीजिए, फिर सी को उधर भेज दीजिए, तो ये भी एक और आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं है उसका समाकलन गुणक प्राप्त करके उससे मल्टीप्लाई करके जिससे वह समीकरण एग्जैक्ट में चेंज हो जाए, यथार्थ में चेंज हो जाए, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। यह पहला नियम था। इस तरीके से आगे के हम और भी नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।